Hello friends, welcome back to Aliya Port. So today's topic is law of conservation of mass. इसमें short form में लिखा है as LCM. तो friends, जब भी हम बात करते हैं laws of chemical combinations की chemistry में, तो law of conservation of mass को कभी भी ignore नहीं किया जा सकता है. अभी मैंने word use किया chemistry. Chemistry क्या है? Friends, chemistry जो है experimental science and it deals, what does it deal with? Reactions that are taking place from time to time. So friends, ab 18th century mein scientists ko lagta tha that jab ek substance burn तो एक फ्लोजिस्टोन नाम का एक अनडिटेक्टेबल सब्सटेंस रिलीज होता है और उसके बिना कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं कर सकता है. सर एंटनी लेबोइसियर जो कि एक साइंटिस्ट थे, मतलब एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने डिसअप्रूव किया द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लोजिस्टोन कि फ्लोजिस्टोन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती विद द हेल्प ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन. किसने डिस्कवर की थी? प्रिस्टले ने. इसका पूरा नाम था जोसेफ प्रिस्टले और शील ने. पूरा नाम था कार्ल विलियम शील. तो फ्रेंड्स, अब प्रिस्टले ने इसको नाम दिया था डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर और शील ने इसको नाम दिया था फायर एयर और इसको एक केमिकल एलिमेंट की तरह कंसिडर नहीं किया था. जो एंटनी लेबोइसियर थे उन्होंने इसको प्रॉपर नाम दिया ऑक्सीजन और इसको एक केमिकल एलिमेंट की तरह कंसिडर भी किया था. एंटनी लेबोइसियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं. क्यों? उन्होंने ऑक्सीजन की तो नेमिंग की थी, हाइड्रोजन भी उन्होंने डिस्कवर की थी. उन्होंने और क्या किया था? उन्होंने कंपोजिशन बताया था किसका? एयर और वाटर का. उन्होंने एलिमेंट्स की पहली क्लासिफिकेशन भी दी थी एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, जब हम मेटल एंड नॉन मेटल की बात करेंगे, तो हम एंटनी लेबोइसियर का नाम जरूर सुनेंगे. इन्होंने एलिमेंट को डिफाइन भी किया एज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस. इन्होंने एक बुक भी लिखी थी थ्रेट एलिमेंट आयर दिशाइन, जो कि एक फ्रेंच नाम है एक बुक का, क्योंकि वो एक फ्रेंच केमिस्ट थे जैसा कि मैंने आपको बताया था. तो इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं. उनकी जो वाइफ थी मैरी एनी, उनको हम मदर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं. ऐसे ही नहीं कहते हैं, उनके भी बहुत सारे फेमस वर्क्स थे. तो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू एंटनी लेबोइसियर, उनकी एक सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी जो हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑल्दो मैटर में चेंज इट्स फॉर्म और शेप बट इट्स मास शुड ऑलवेज रिमेन द सेम. इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये कब डिस्कवर हुआ था? In 1789, ठीक है, यानी कि 18th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था. सो व्हाट डज इट स्टेट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टेट्स दैट फॉर एनी सिस्टम, वो सिस्टम क्या है विच इज क्लोज टू व्हाट? ट्रांसफर. किसका ट्रांसफर? ऑफ मैटर या फिर एनर्जी. सो इट्स मास, उसका जो मास है शुड बी कॉन्स्टेंट, शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट क्या होता है? मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है. और वी कैन से द मास ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल चेंज इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स कब है? विच आर एट द बिगिनिंग ऑफ आर फिजिकल और केमिकल चेंज. और वी कैन से मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. अब क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है.
So, law of conservation of mass states that for any system which is closed to transfer of matter and energy, its mass should remain constant. That is, it should remain the same. Secondly, the mass of products that are produced during a physical or chemical change is equal to the mass of reactants that are at the beginning of our change. Or we can say matter can neither be created nor destroyed, but it may be converted from one form to another. So friends, aaye kuch examples lete hain. Examples. So the first example, calcium carbonate. Calcium carbonate ko marble bhi kehte hain, chalk bhi kehte hain. Jab hum isko strongly heat karte hain. Heat ko hum is triangle ke symbol se represent karte hain. To jab calcium carbonate ko strongly heat karte hain, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आती है. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं. अब अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम लें तो फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट से भी पता चला, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है दैट जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो 56 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड है 44 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है. अगर इनको ऐड करें तो 100 ग्राम ही आ रहा है. 100 ग्राम ही हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था. सो एल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑबेड इन दिस केस. अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल. तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बन एंड कंपाउंड्स. इसको हम कंबशन ऑफ कार्बन भी कहते हैं, यानी कि बर्निंग ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब हम सब जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16. 16 * 2 इज 32. 12 + 32 इक्वल्स 44 ग्राम. सो हमें पता चल गया सम ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 44 ग्राम. अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मास हमने अभी देखा 12, ऑक्सीजन का 16, टू एटम्स हैं तो 16 इंटू टू 32, 12 प्लस 32 कितना होता है 44 ग्राम. तो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है 44 ग्राम और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है 44 ग्राम. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑबेड एज द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स. आइए क्वेश्चन करके देखते हैं. क्वेश्चन देखिए इस बुक के अंदर ये वाला क्वेश्चन. 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. मतलब 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को हमने 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया ताकि उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाए. एंड देन हमने उसमें डाल दिया 0.585 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसको हमने 100 ग्राम यानी 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है ताकि उसका भी एक्वस सॉल्यूशन बन जाए. ठीक है, तो अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या देखा, हमने देखा दैट सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसमें हमने ऐड किया है NaCl. ये कितना लिया है 1.7 ग्राम, ये लिया है 0.585 ग्राम. अब इधर प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, इधर प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं हमारे सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. सिल्वर क्लोराइड बन रहा है 1.435 ग्राम. सो सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, ये बन रहा है हमारा 1.435 ग्राम प्लस हमारा क्या बनेगा NaNO3. NaNO3 कितना बन रहा है 0.85 ग्राम. 0.85 ग्राम. सो वी हैव टू प्रूव दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑबेड. हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए पहले सम ऑफ रिएक्टेंट्स देखते हैं. AgNO3 हमारे पास 1.7 ग्राम प्लस NaCl है हमारे पास 0.585 ग्राम. ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे. सो दिस इज 1.7, दिस इज 0.585 एज इट इज 2, ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 2.285 ग्राम. ओके, सो दिस इज द मास ऑफ रिएक्टेंट्स. मास ऑफ प्रोडक्ट्स देखते हैं. पहला प्रोडक्ट है हमारा AgCl जो कि बन रहा है 1.435 ग्राम प्लस हमारा बन रहा है NaNO3 जो कि बन रहा है 0.85 ग्राम. ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा, ऐड करके देखेंगे तो ये भी 2.285 ग्राम बन जाएगा. अब क्योंकि और ये है हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट्स. मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज 2.285 ग्राम,
mass of products is also 2.285 gram. So mass of reactants is equal to mass of products. So here also law of conservation of mass is obeyed. So ये दिया था. Antony Lavoisier ने. ठीक है? इन्होंने इस लॉ को एक और तरीके से समझाया था कि जो हमारा नया मैटर बन रहा है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग मैटर से बनता है. जैसे एलिमेंट ए और एलिमेंट बी कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म अ कंपाउंड ए बी. अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है तो आइए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. अगर मान लीजिए मुझे हॉट चॉकलेट मिल्क पीना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? मैं मिल्क लूंगी, हॉट चॉकलेट लूंगी, उन्हें मिक्स करूंगी, हॉट चॉकलेट मिल्क बन जाएगा. तो मेरा हॉट चॉकलेट मिल्क यानी नया सब्सटेंस तभी बनेगा जब मैं दो इंग्रेडिएंट्स यानी मिल्क और हॉट चॉकलेट को मिक्स करूंगी. इन द सिमिलर वे नया कंपाउंड ए बी तभी बनेगा जब दो एलिमेंट्स ए और बी यानी ये जो प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है ये कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे. सो इस तरीके से सर एंटोनी लेवोइसियर ने इस लॉ को एक्सप्लेन किया था. सो दैट्स ऑल, बट वी एंड द वीडियो विद अ क्विक रीकैप. हमने पहले एंटोनी लेवोइसियर की थोड़ी सी बात की, देन हमने बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब डिस्कवर हुआ था, और फिर हमने बात की व्हाट डज द लॉ स्टेट्स. ठीक है, देन हमने एक दो एग्जांपल्स देखे एंड देन हमने क्वेश्चन किया एंड देन हमने देखा एंटोनी लेवोइसियर ने इस लॉ को किस तरह से इजी वे में एक्सप्लेन किया था, और इसके लिए भी हमने हॉट चॉकलेट मिल्क का एग्जांपल लिया था. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आलिया पुट. ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द वीडियोस आई एम अपलोडिंग. गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.